राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा समस्त मुंबई की 36 विधानसभाओं में सेवा कार्य के रूप में आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। नव नियुक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन यानी जन सेवा का दिन के नारे के साथ मनाने इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभदायी सेवा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई स्थित वर्ली के विट्ठल मंदिर परिसर में मुंबई महामंत्री अर्जुन मेघे के नेतृत्व में भव्य आरोग्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुँच के इस शिविर का लाभ लिया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता भी पहुँचे। इस शिविर में बीजेपी कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण मुंबई सचिव शुभम लोखंडे भी उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई, नूतन बानेश्वर मंडल और सस्मीरा मार्ग नवरात्र उत्सव मंडल ने साथ में आके भारतीय जनता युवा मोर्चा तरफे आज हमारे जो नेते हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के निमित्त हमें सेवा करने का आदेश मिला था और सेवा के थ्रू हमने आज एक भव्य मेडिकल कैंप यहाँ पे आयोजित किया है। हम बहुत खुश हैं कि कल हमारे जो राष्ट्रपति वो चुन के आए, जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जो एक ट्राइबल वुमेन है वो आज देश की सबसे प्रथम सिटीजन करके अभी जाना जाती है। तो इसके लिए कल का जो जीत हुआ राष्ट्रपति इलेक्शन में वो पूरा डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं और आज देवेंद्र जी का जन्मदिन है, वो हमारे नेते हैं और उनका जन्मदिन के लिए आज उन्होंने हमें कहा कि जितना आप उनके जन्मदिन के लिए आप सेवा कर सकते हो लोगों की, उतना आप सेवा करो। तो उनका लोगों की सेवा के लिए आज हमने ये भव्य कैंप मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मेडिकल कैंप में हम ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, उसमें ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, उनका ब्लड लेवल सब चेक कर रहे हैं। उसके साथ हमने एक ECG रूम और ECG मशीन का भी व्यवस्था किया है। उसके साथ हम आई चेकअप भी कर रहे हैं, फ्री चश्मा वाटअप भी कर रहे हैं जिन जिनको ज़रूरत है चश्मे की, उनके लिए मुफ्त का चश्मा भी दे रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स का भी चेकिंग कर रहे हैं और उसके साथ वो फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस कंसल्टेशंस भी हो रहे हैं। तो आजू बाजू में अगर आप ये परिसर में देख सकते हैं, बहुत रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ के जो लेबर है, क्योंकि ये मुफ्त कैंप है और ये लोगों की सेवा के लिए, तो लेबर लोगों को भी हमने स्वागत किया है कि आप यहाँ पे आओ और अपनी तपासनी करो। हमारा टारगेट तो क्योंकि ये जो कैंप था बहुत अचानक में हुआ था, हम लोग हमको दो दिन की तैयारी थी, जो दोनों मंडल थे नूतन बानेश्वर मंडल और अपना सस्मीरा मार्ग नवरात्रि उत्सव मंडल, पिछले दो दिनों में उन्होंने पूरी बहुत सहकार्य किया, बहुत मेहनत की और दो दिन में कैंप उन्होंने ये कैंप की व्यवस्था की। और हमारा जो टारगेट था, क्योंकि बहुत कम टाइम था मार्केटिंग करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत कम टाइम था, तो हमारा एम तो कम से कम 100 लोगों का था, पर अभी अगर आप देख सकते तो हमने 100 का आंकड़ा बहुत आराम से 127 का आंकड़ा अभी तक हम पहुँचे और अभी सिर्फ डेढ़ घंटा हुआ है ये कार्यक्रम शुरू होके। तो अभी जैसा ये माहौल, ऐसा लगता है कि हम एक 200 लोगों तक तो पहुँच ही जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन जी मेघे को कि ऐसा उपक्रम उन्होंने यहाँ पे आयोजित किया है भारतीय जनता युवा मंच के तरफ से और माँ फाउंडेशन की तरफ से। उन्होंने जो ये सस्मीरा मार्ग में जो लोगों की सेवा की है उसके लिए हम लोग शतशा ऋणी है इनके। यस, बहुत ही गर्व की बात है कि
पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति हुए और वो भी ट्राइबल एरिया से, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूँ और देवेंद्र जी फडणवीस को जन्मदिन का मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। ये आयोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेते माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके वार दिवस निमित्त में आयोजित किया था। उसी तरह हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सदस्य कार्यकर्ता है। आज हमें खुशी हो रही है कि देवेंद्र जी ने जन्मदिन जिस तरह मनाया जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि उनको कोई नेता ऐसा नहीं है कि अपना जन्मदिन सामाजिक कार्य करके जन्मदिन मनाया जा रहा है।